नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के फतह को लेकर सियासी दलों ने ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के बाद अब अगली लड़ाई देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। देश की नजर अब दिल्ली के आने वाले चुनावों पर टिक गई है, तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना भी तेज कर दिया है। दिल्ली की गलियों में विधानसभा चुनाव को लेकर शोर तेज हो चला है। इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी फ्री की सुविधाओं के भरोसे जनता से समर्थन मांग रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी दिल्ली के गरीब और निचले तबके को अपने साथ जोड़ने की फिराक में लगी हुई है, तो कांग्रेस संविधान रक्षक और न्याय यात्रा के जरिए दिल्ली की जनता को साधने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस बार दिल्ली की जनता का मन क्या है। हमारे खास प्रोग्राम दिल्ली के दंगल पे आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो दिल्ली के दंगल में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल पे मौजूद है एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी, वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के बाद अब अगली लड़ाई देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। देश की नजर अब दिल्ली के आने वाले चुनाव पर टिक गई है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना भी तेज कर दिया है। दिल्ली की गलियों में विधानसभा चुनाव को लेकर शोर तेज हो चला है। इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के चुनावी रण में बड़ा मुकाबला अरविंद केजरीवाल की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, देश में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना रही भारतीय जनता पार्टी और देश में अपनी साख बचाने के लिए जुटी कांग्रेस के बीच है। और तीनों ही पार्टियां बेहद ही आत्मविश्वास के साथ विधानसभा चुनाव की इस परीक्षा में उतर चुकी हैं। लेकिन दिल्ली की जनता के मन को आकर्षित करने में कौन कामयाब रहता है, ये पूरी तरह से जनता के हितों और योजनाओं पर भी निर्भर करेगा। दिल्ली के लोग उसके साथ ही जाएंगे जो उनके हितों पर खरा उतर सके। पार्टियों की मौजूदा रणनीतियों पर नजर डालें तो लगातार दो बार से दिल्ली की सत्ता में बरकरार आम आदमी पार्टी अपनी पुरानी रणनीति के तहत सरकार की ओर से दी जाने वाली फ्री की सुविधाओं के भरोसे जनता से एक बार फिर समर्थन मांग रही है। दिल्ली सरकार मौजूदा वक्त में कई फ्री की योजनाओं के जरिए जनता को सुविधाएं पहुँचा रही है, जिसे फ्री की रेवड़ियाँ भी कहकर पुकारा जा रहा है। आपके दावों के मुताबिक दिल्ली सरकार मौजूदा वक्त में 6 फ्री की योजनाएं देने का दावा कर रही है, यानी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी फ्री की दी जा रही योजनाओं के बल पर जीत का दम भर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किला ढहाने के मकसद से निकली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की गरीब और निचले तबके को अपने साथ जोड़ने की कोशिशों में लगी हुई है। इसी के तहत दिल्ली बीजेपी ने राजधानी के 250 जगहों पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीब लोगों से मुलाकात की और अपने चुनावी लक्ष्य को साधने की कोशिश की। हालांकि हाल ही में आए हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों ने बीजेपी के हौसले को कई गुना हाई कर दिया है, लिहाजा दिल्ली में जीत के लिए बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वजन विकास में यकीन करती है। हमारे लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना झुग्गी में रहने वाला महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है सब वर्गों का साथ हमें मिलेगा, हमें दलित का साथ भी मिलेगा, हमें दिल्ली में माइनॉरिटीज के भी एक बड़े वर्ग का, सिखों का, जैन्स का, क्रिश्चियंस का साथ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सेवा सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी की झुग्गी झोपड़ियों के विजिट पर अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। केजरीवाल का कहना है कि ये बीजेपी का झुग्गी टूरिज्म है। आज शाम को इनके कुछ नेता झुग्गियों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके, कभी गोवा जाते हो, कभी मन बहलाने के लिए, झुग्गी टूरिज्म कहते हैं, कोई कह रहा था झुग्गी टूरिज्म है। एक रात गरीबों के साथ बिता के आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। इस चुनावी महासंग्राम में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दिल्ली कांग्रेस भी बेहद ही सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस हर मोर्चे पर खुद को मजबूत साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही।
दरअसल कांग्रेस खुद को मजबूत साबित करने के लिए जनता के बीच पहुंच रही है। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता संविधान रक्षक और न्याय यात्रा के जरिए एक बार फिर दिल्ली के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस के साथ जा रही है। देखिए, मुझे तो आश्चर्य है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वासियों के साथ अपना समय बिताने का काम करेगी। ये तो वही भाजपा है जिन्होंने उनको उजाड़ने का काम किया। अगर आप देखें पिछले कुछ वर्षों पहले जाएं तो जो जे कॉलोनियों का विस्तार किसने किया, किसने बसाई जे कॉलोनी? कांग्रेस पार्टी ने जे कॉलोनियां बनाने का काम किया। इन्होंने तो उनके घर से छत छीनने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झुग्गी वासियों के समर्थन का काम किया, उनको मजबूत करने का काम किया, उनके घर पे छत देने का काम किया, उनके घर में नल दिया, नल में जल दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2022 तक सबका पक्का घर होगा। 2022 निकले भी आज दो साल हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के वादे तो सिर्फ वादे, भाजपा के वादे हमेशा झूठे और खोखले साबित होते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के झुग्गी वासियों के साथ होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है और भाजपा ने हमेशा धर्म और जाति की राजनीति की है। कुल मिलाकर दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार बेहद ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तीनों ही प्रमुख दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। विपक्ष में बैठी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, जबकि मौजूदा वक्त में सरकार में बरकरार आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाने का दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। सभी दल जनता के बीच पहुंचकर समर्थन मांगने में जुटे हुए हैं। सबके दावे और सबके वादे पार्टी की रणनीति के तहत है, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता का मन क्या है ये तो आने वाला चुनाव ही बता पाएगा। दिल्ली डेस्क टोटल न्यूज। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय, ऐसे में दिल्ली की जनता के मन में क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज पैनल में तीन गेस्ट मौजूद हैं। प्रदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा हुआ है, जनता को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी भरसक कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की जनता के मन में क्या है? क्या फ्री की रेवड़ियों पर भरोसा किया जाएगा, फ्री की सुविधाओं पर जनता भरोसा जताएगी, या जमीनी हकीकत को देखने की कोशिश की जाएगी? देखिए, दिल्ली का दंगल बड़ा जोरदार होगा इस बार, क्योंकि समीकरण बदले हुए हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय फलक पर देखें, अगर आप जो राजनीतिक दौर है आज का, उसमें निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि बीजेपी जो राजनीतिक जोराज में इसमें माहिर पार्टी है, माइक्रो मैनेजमेंट और उसमें उसका कोई सानी नहीं है कहा जाता है, तो महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आए हैं और उसमें ज़बरदस्त जीत हासिल की है और उसके बाद अब निगाहें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर रहेंगी। तो चुनावी रणनीति के लिहाज से बीजेपी मैनिफेस्टो पर फोकस कर रही है। सूत्रों का दावा है कि अगले 2 से 3 दिनों में मैनिफेस्टो पर जो बैठक उनकी होनी है, उसमें वो बिंदुवार तरीके से अपने मैनिफेस्टो में जिन बड़ी घोषणाओं को शामिल करना है उसको करेंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का फोकस है कि वो एक परिवर्तन यात्रा के जरिए, जो न्याय यात्रा निकाल रही है उसके जरिए माहौल बनाए, जमीन पर कनेक्ट करे और जो वो उनका खोया हुआ जनाधार है उसको वापस लेकर आए। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर एक जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने अपनी योजनाएं लॉन्च की थी और जिस तरीके से माहौल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंट हो सकता है जो करप्शन के आरोप उन पर लगे हैं और बीजेपी ने जोर शोर से इनको उठाया है। तो ये आसान नहीं होगा कि इस दंगल में हम एक तरफा मुकाबले में कह दें, क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन हमने देखा है। पिछले चुनाव की बात करें, अगर एक के बाद एक विधानसभा चुनाव की बात करें, एक समांतर प्रदर्शन उनका वोट बैंक का रहा है। और अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है ये कहा जा रहा है, तो फायदा यहाँ पर बीजेपी को परोक्ष रूप से होगा। त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं स्थिति बदलेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो फोकस कर रही है अपने कोर वोट बैंक पर, और जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता था कभी शीला दीक्षित की गैर मौजूदगी में, अब देखें आप इस वोट बैंक पर झुग्गी झोपड़ी की आपने बात की है या निचले तबके की, वो फोकस शिफ्ट हो गया है। और इसीलिए दिल्ली का जो समीकरण है अब दिलचस्प समीकरण पैदा करेगा। 2.5 महीने का अंतराल होगा मेरे ख्याल से जब चुनावी बिगुल बजेगा, और ये ऐसा वक्त होगा जब क्रूशियल वक्त है, क्योंकि इधर से उधर नेताओं का आने जाना भी शुरू हो गया है। जो आम आदमी पार्टी नेताओं को खींच रही है दूसरी पार्टियों से, वो भी फोकस कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक भी टूटकर इधर से उधर गए हैं। 3 विधायक टूटे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसके अलावा कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं कुछ नेता, राजकुमार गौतम की एंट्री देखी थी। लेकिन बड़ी बात है कि जो वंचित वर्ग है, और एक आंकड़ा मेरे याद आ रहा है, शायद 12 सीटें SC सीटें हैं, दूसरा 15 से 17 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं, बाकी सीटों पर अगर देखें तो बीजेपी फायदे में रहती है। लेकिन अब जो समीकरण बदलेगा
वो उन सीटों पर फोकस करने वाली है जहां पर उसको ऐसी सीटें हों और चाहे वो मुस्लिम बहुल सीटें हों, लेकिन वहां समीकरण बदलने के लिए हमने देखा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, उसके आरोप लगते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में जो सबसे बड़ा अस्त्र रहा है अभी तक वो संविधान बचाने की बात रही है, लेकिन अब महाराष्ट्र के परिणाम ने कहीं ना कहीं बीजेपी को एक धार दे दी है और ये चुनाव निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी का बेहद दिलचस्प हो जाएगा, इस पर कोई शक नहीं है। बिल्कुल, चुनाव के समीकरण जो बन रहे हैं, जो रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उससे कितना फायदा ललित जी बीजेपी को मिलेगा या आम आदमी पार्टी को मिलेगा या कांग्रेस के पक्ष में स्थिति बनती हुई नजर आएगी, ये जब नतीजे सामने आएंगे तब ये चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन जिस तरह की रणनीति राजनीति यहां पर राजधानी में देखने को मिल रही है, जिक्र दल बदल का किया गया कि जिस तरह से नेताओं का दल बदल हो रहा है, उससे कितना प्रभाव विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़े नेता माने जाते हैं, बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी कैलाश गहलोत जो हाल ही में बीजेपी के खेमे में चले गए हैं, कितना प्रभाव करेगा विधानसभा चुनाव इस दल बदल में? देखिए प्रगति, किसी भी चुनाव के वक्त ये दल बदल का कार्यक्रम काफी तेजी से बढ़ता है। इससे पहले हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में भी आम आदमी पार्टी के नेता जा रहे हैं और उतने ही बराबर नेता जो है भाजपा के पुराने जो है वो आम आदमी पार्टी तोड़ रही है। अब आप मान लीजिए छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर का आम आदमी पार्टी में जाना, इसके अलावा कई और नेताओं की जो है वो एंट्री हुई है, और वही कैलाश गहलोत की अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एंट्री हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो स्पेस दिया है, मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि जब किसी दूसरे दल से आए हुए नेता को भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जल्दी से एक अच्छा कद दिया हो, एक अच्छी जिम्मेदारी दी हो। हम देख रहे हैं कि उनको चुनाव प्रबंधन समिति में सदस्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अभी जिस दिन महाराष्ट्र में जीत थी उस दिन हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे तो भी उस दिन उनकी सक्रिय भूमिका देखी जा रही थी। और अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, ये तो कैलाश गहलोत की चर्चा है और दल बदल की जो आपने सवाल पूछा जी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उन कार्यक्रमों को फिर आगे एक बार बढ़ा रही है जिन कार्यक्रमों को पिछले विधानसभा चुनाव में भी लगातार आगे बढ़ा रही थी। हमने देखा था कि ये झुग्गी प्रवास का कार्यक्रम जो था पिछली बार भी हुआ था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक वोट बैंक है प्रगति जी, वो वोट बैंक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा काम करता है जी, और हमेशा वो रहता भी है, जिसे उसका कहा जाता है कि उसका ट्रेडिशनल वोटर है, और ये तकरीबन 27 से 28% 30% के आसपास भी इस वोटर को देखा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश इस बार यह है कि वो जो आम आदमी पार्टी की तरफ स्विंग करता है वोट, उस वोट को वो कैसे अपनी तरफ ले आए, इसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो है बड़े नेताओं का मंथन चल रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि अगले एक दो दिनों में जैसे ही महाराष्ट्र में ताजपोशी खत्म हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली दफ्तर में जो है केंद्रीय दफ्तर में यानी कि यहाँ कहा जाए DDU मार्ग वाले में हम देखेंगे कि बैठकों का दौर लगातार जारी होगा। बीजेपी अध्यक्ष हो, जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी लोग बहुत सक्रियता से इस पूरी बैठकों को करते हैं और माइक्रो मैनेजमेंट बनाते हैं। और दिल्ली में तो हमने देखा है कि जब दिल्ली का चुनाव होता है तो उस पर पूरे देश की निगाहें होती हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाहें जरूर बनी हुई है। लेकिन प्रणय, जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जिस तरह से दल बदल हो रहा है, या अगर चुनावी घोषणाओं का जिक्र करें, मैनिफेस्टो का जिक्र किया जा रहा था, तमाम वादे दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से अगर हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अलावा देखें, कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, बड़ी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी और अपने आप में एक अच्छी पकड़ अपनी राजनीति को लेकर के मानी जाती है कांग्रेस में, कांग्रेस का कितना असर यहां पर देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में? क्योंकि जिस तरह से फ्री की सुविधाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है, बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी झुग्गीवासियों को लेकर के साधने में जुटी हुई है, निचले तबके के लोगों को साधने में जुटी हुई है। कांग्रेस का है कि रक्षक संविधान रक्षक प्रोग्राम उनका जारी है, न्याय यात्रा के ये जनता को साधने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस का कितना प्रभाव विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, कोशिश तो की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, देवेंद्र यादव न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए बीजेपी जहां पर आज प्रवास करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी की स्थापना दिवस पर जिस तरह से तंज कसा है बीजेपी पर, और उन्होंने साफ ही कह दिया, हमने अभी वो बयान भी सुनाया दर्शकों को, कि एक तरह से ये जो नेता है वो सिर्फ पिक्चर के लिए क्लिक कराने के लिए जाते हैं, सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया है कि कल यानी बुधवार को अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा के जो सफाई कर्मी है उन
के साथ मुलाकात करेंगे अपने आवास पर। साथ ही में उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों को, पार्षदों को ये निर्देश भी दिया है कि वो भी एक ग्रुप बनाएं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर और 20-20 लोगों के ग्रुप के साथ, 50-100 लोगों के ग्रुप के साथ मुलाकात हो, सफाई कर्मियों के साथ मुलाकात हो, उनसे उनकी जो परेशानियां हैं वो सुनी जाए, उनकी बातों को सुना जाए। और वो लगातार कह रहे हैं क्योंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी का साफ ये कहना है कि 2 साल एमसीडी में सरकार को बने हुए हो गए हैं और जो काम किए हैं वो अभूतपूर्व हैं, जो पिछले 15 साल में बीजेपी नहीं कर पाई थी। अब जहां तक आपका सवाल है कि कांग्रेस कितना मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएगी, तो देखिए फिलहाल तो कांग्रेस के जो हालात हैं वो हम भी जानते हैं कि दिल्ली से सटे हुए राज्यों में चाहे चुनाव की बात कर लें या हाल ही में जो महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हुए वहां पर कांग्रेस पार्टी का कैसा रिस्पांस रहा, पार्टी को लोगों ने कितना पसंद किया और क्या कुछ आंकड़े सामने आए, इसका निश्चित तौर पर दिल्ली पर भी प्रभाव पड़ता है। और हरियाणा में ये माना जा रहा था कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो काफी जो उत्साह है वो दिल्ली के कार्यकर्ताओं में भी भरने का काम जो वो नतीजे हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कांग्रेस के लिए राह इतनी आसान नहीं है, कठिन है, क्योंकि लगातार 2 बार से वो शून्य पर खड़े हुए हैं और ऐसे में खाता खोलना ही नहीं बल्कि एक ऐसा मुकाबला देना जो कड़ा मुकाबला हो, उसके लिए कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से काम कर रही है। बिल्कुल प्रणय, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी राह आसान होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रदीप जी जिस तरह से अगर हम देखें 2014 में मोदी लहर थी, बीजेपी की लहर थी, 2019 में भी यही लहर देखने को मिली, मोदी मैजिक कहीं ना कहीं काम किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हम इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि मोदी मैजिक फिलहाल कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो हरियाणा में चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो अप्रत्याशित थे, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली, एक बूस्टअप का काम किया हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने। जहां तक अगर दिल्ली की बात करें, हाल ही में जो महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हुए वो भी कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। अब निगाहें दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर है। बीजेपी और कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो दोनों की स्थिति लगभग यही है, क्योंकि सत्ता पर काबिज है आम आदमी पार्टी, जनता के भरोसे पर काबिज है आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा यहां पर मुश्किल नहीं होगा जनता को अपने पक्ष में करना, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के लिए यह बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। देखिए बहुत जल्दी आपको बता देता हूं कि जो चुनावी मुकाबला और जिस तरीके से आगे बढ़ेगा तो उसमें महत्वपूर्ण रहेंगे जो 15-20 दिन होते हैं, उस दौरान चुनावी मुकाबले में बहुत सी करवटें बदलता है, चुनावी मुकाबला और उलटफेर होता है, ये हमने कई मुकाबलों में देखा है, कई दौर में देखा है। हरियाणा का आपने जिक्र किया है, निश्चित तौर पर वो चुनावी मुकाबला एक अप्रत्याशित नतीजे में तब्दील होता हुआ नजर आया और कोई भी भरोसा नहीं कर रहा उस चुनावी नतीजे के बाद। कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो क्या कदम उठाए ये तय नहीं कर पा रही है। आज एक बड़ा बयान आया है मल्लिकार्जुन खड़गे का ईवीएम को लेकर, जब उन्होंने ये कहा कि वो बैलेट पेपर से ही चुनाव हो इसको लेकर आंदोलन करेगी, उसकी तर्ज पर वो भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर एक अभियान शुरू करेंगे। तो एक बड़ा बयान है ये, अगर बाकी पार्टियों का समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर पर देखना होगा बाकी पार्टियां जुटेंगी साथ या नहीं। हम तो ये समीकरण बनते हुए देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं, कुछ देर पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, उनकी मुलाकात होने जा रही है केजरीवाल से। तो इंडिया ब्लॉक में जो हमने देखा रिफ्ट गठजोड़ के दौरान कांग्रेस के बीच, आम आदमी पार्टी के बीच, पंजाब में गठजोड़ नहीं हो पाया, इसके अलावा हरियाणा को लेकर बातचीत चली थी लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाई, लेकिन दिल्ली में जो लोकसभा का चुनावी मुकाबला था पार्टियां साथ लड़ी थी लेकिन चुनाव परिणाम उनके अनुकूल नहीं आए, सातों की सात सीटें जिस तरीके से मुकाबले में यहां पर बीजेपी ने हासिल की, तो ये एक बड़े पेच रही हैं कि इनको सुलझाएं। दूसरा जिस तरीके से ये सवाल है कि बीजेपी और कांग्रेस की जो यहाँ पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में और जो चेहरे की बात आप कर रहे हैं, जो उनके चुनावी मिजाज में खास तौर से किरदार की बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी बड़े चेहरे होते हैं लेकिन केजरीवाल दिल्ली में एक बड़े नेता के तौर पर और जिस तरीके से उन्होंने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़के एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था उससे वो लगातार सत्ता में आए, लेकिन अब जो बदले हालात में शराब कांड का बात करें वो हुआ, बीजेपी ने माहौल बनाया लेकिन अदालत में अभी तक वो पूरा मामला
अभी चल रहा है, इस पर कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें जिस तरीके से जमानत का एक अधिकार होता है वो लोग रहे अंदर, उस पर ये एक परसेप्शन बनाया गया केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। अब इसको कितनी जोर शोर से आम आदमी पार्टी जमीन पर लेकर जाएगी, ये कहीं ना कहीं उसके काडर को मैसेज देने वाला होगा। तो आम आदमी पार्टी भी एक माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर पार्टी मानी जा रही है, जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, और इसके अलावा भी उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है उसमें उन्होंने एक काडर खड़ा किया है। लेकिन अब ये काडर कमजोर पड़ेगा क्योंकि अर्थतंत्र पर चोट मारी है बीजेपी ने। उपराज्यपाल ने जो फैसले बदले हैं ये कहा जा रहा है, हमने देखा मार्शल बेरोजगार हो गए, वो मुद्दा बना लेकिन वो खिलाफ गया। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो घुल मिल गए हैं, और कहीं ना कहीं अभी इंतजार करना होगा कि असली चुनावी मुद्दे कब आएंगे। कुछ उम्मीदवार तो वो सामने लाए हैं, लेकिन अभी बाकी पार्टियों की रणनीति वो भी सामने आना बाकी है, और उसमें कांग्रेस और जो बीजेपी अपने जो उम्मीदवारों के चयन को लेकर वो कदम आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से वो फार्मूला सेट करेंगे, ये काफ़ी कुछ हद तक रहेगा। और ये जरूर है कि नए चेहरे जरूर बीजेपी आजमाएगी, ये जानकारी मिल रही है। तो कांग्रेस पुराने चेहरों पर दांव लगाती है, लेकिन कांग्रेस के लिए स्थिति दिल्ली की आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि अभी भी उसका खोया हुआ वोट बैंक जो है बहुत दूर नज़र आ रहा है, और उसके लिए उसे बहुत दमखम के साथ वापसी करनी होगी, वो आसान नहीं होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ललित जी कांग्रेस की अगर स्थिति की बात करें, स्थिति परिस्थिति मनोस्थिति तीनों का ही जिक्र करें, तो लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस को कॉन्फिडेंस देती हुई नजर आई, क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस ने उस दौरान बहुत भरपूर कैंपेनिंग की थी, लोगों के साथ जुड़ाव था कांग्रेस का, और ये नतीजों में भी नजर आया। लेकिन अब जो हाल ही में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और जो रिजल्ट सामने आए, निश्चित तौर पर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस का है जो नतीजों पर साफ तौर पर बयां हुआ। जो राजधानी दिल्ली की स्थिति है, वहां की जो राजनीति है, कांग्रेस आगे क्या कुछ कदम उठा सकती है, क्योंकि बीजेपी का अगर जिक्र करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपने स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट के लिए मानी जाती है। आम आदमी पार्टी पहले से ही सत्ता पर काबिज है, दो बार की सत्ता भोग चुकी है, और इसलिए जनता में अपनी अच्छी पैठ भी रखती है। कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होने वाला है, तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के आगे कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति देखने को मिल सकती है? देखिए, मुझे ये लगता है प्रगति कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की चर्चा तभी हो पाएगी जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता है। जी, अगर ये गठबंधन हो जाता है और दोनों पार्टियां कंसेंसस बना लेती है, तभी ये चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो पाएगा। अगर आम कांग्रेस पार्टी अलग हो जाती है इसमें और ये ट्रायंगुलर फाइट बनती है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर हो सकता है कि नतीजे सेम हो जाएं, या फिर नतीजों में कोई बहुत बड़ा स्लाइड बड़ा अंतर होगा, ये तो देखिए वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थितियां हैं उसमें लग रहा है कि फिर ट्रायंगुलर फाइट हो जाएगी, और उसमें लगता कुछ ऐसा है कि जैसा पहले आम आदमी पार्टी फायदा लेती रही है वैसा ही वो एक बार फिर से ले ले। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि इस बीच आम आदमी पार्टी के दो सरकारों के कार्यकाल में काफी पानी बह गया है, अगर कहा जाए देखा जाए तो, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, जिस तरीके से पूरी सरकार पर एलिगेशन लगा है, हालांकि भले ही उनके समर्थक अभी भी ये बात ना मानते हो कि उन पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े तबके के बीच में ये मैसेज तो दिया है कि इनको जेल हुई थी, और जेल भी कोई दो चार दिन की नहीं हुई थी, बल्कि मनीष सिसोदिया डेढ़ साल जेल में रह के आए, अरविंद केजरीवाल 7-8 महीने जेल में रह के आए, तो एक फैक्टर ये भी है। अब रही भारतीय जनता पार्टी के पास कि भारतीय जनता पार्टी के सामने टारगेट यह है कि उसका ट्रेडिशनल वोटर तो उसके पास है, लेकिन उसको अपना झुग्गी वोटर जो आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया था, जो झुग्गी का वोटर है, जो बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार है वो है, अब उसको भारतीय जनता पार्टी को लेके आना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब जो है प्रवास आज से शुरू कर दिया है, तकरीबन 250 जगह प्रवास हो रहा है, खुद बीजेपी अध्यक्ष जो है पटपड़गंज विधानसभा में कर रहे हैं, जो कि मनीष सिसोदिया की विधानसभा है, और ये वही विधानसभा है जहां पर मनीष सिसोदिया और रवि नेगी जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनके बीच में बहुत ही कांटे की फाइट हुई थी, हालांकि बाद में मनीष सिसोदिया तकरीबन 5000 वोटों से जीत गए थे इस चुनाव को, लेकिन बाद बीच में काफी फाइट हुई थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए भी मैदान एकदम पूरी तरह साफ नहीं है, मुझे नहीं लगता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह इस बार क्या
चक्रव्यूह सेट करते हैं। बिल्कुल, बीजेपी का क्या कुछ चक्रव्यूह होगा, राजनीति को लेकर के, राजधानी की राजनीति को लेकर के, ये देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन प्रणय, जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए भी अब बहुत ज्यादा राहें आसान नजर नहीं आ रही, निश्चित तौर पर, क्योंकि दो बार सत्ता भोग चुकी है, फ्री की रेवड़ियों का, फ्री की सुविधाओं का हवाला दो बार दिया जा चुका है। अब जनता जमीनी स्तर पर स्थानीय मुद्दों को लेकर के भी बातचीत करने की तैयारी में है, तो जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि अब फ्री की सुविधाओं का हवाला देकर के सत्ता पर दोबारा तीसरी बार काबिज नहीं हुआ जा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो रेवड़ी पर चर्चा शुरू कर दिया ना कैंपेन, वो कह रहे हैं कि 6 सुविधाएं हम दे रहे हैं। बीजेपी ये बता दे 20 राज्यों में उनकी सरकार है, किस राज्य में ये सुविधाएं उनकी सरकार दे रही है, तो ये जो फैक्टर है, जो रेवड़ी फैक्टर है, जिस पर लगातार उन पर तंज कसा जाता है, उन पर आरोप लगाए जाते हैं, तो वो ये बात कह रहे हैं कि ये वो सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए थी, जो सरकारों को देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं देती हैं, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो वो दे रहे हैं। और जैसे अभी ललित ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मैदान पूरी तरह से खाली है, ये निश्चित तौर पर देखिए 10 साल से वो यहां पर काबिज हैं, एंटी इनकंपेंसी फैक्टर होता है, इससे दोराई नहीं है। लेकिन आप ये भी देखिए कि आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, वो क्या किया है, वो अब वो जो दूसरे राजनीतिक दल से नेता आ रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस से आ रहे हो या बीजेपी से आ रहे हो, वो उनसे गुरेज नहीं कर रहे, वो उन्हें स्वीकार भी कर रहे हैं और उन्हें टिकट भी दे रहे हैं। आप देखिए 11 टिकट आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले देके एक मोमेंटम बना दिया, और 11 में से आप देखिए ज्यादातर जो टिकट थे वो कांग्रेस से आए हुए नेता के थे और वो बीजेपी से आए हुए नेताओं के थे। तो ये एक जो रणनीति में बदलाव है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। माहौल पूरी तरह से सेट जरूर किया गया है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन राहें किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होने वाली है। देखना यही होगा कि विधानसभा चुनाव में किसके खाते में जाता है दिल्ली का दंगल, दिल्ली का ताज किसके सर पर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली के दंगल में किसके सर पर सत्ता का ताज होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, जनता को अपने पक्ष में, अपने खेमे में शामिल करने के लिए तमाम कोशिशों में लगे हुए, लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता किस पर भरोसा जताएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।